यूपी के हाथरस की घटना से पूरा देश गुस्से में है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी हाथरस की घटना पर ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर पीड़िता की फोटो के साथ एक पोस्ट डाली है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ से इस्तीफा मांगते हुए लिखा गया कि जुबा एक बेटी की कटी और गूंगा पूरा देश हो गया। इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने जो फोटो लगाई है उस पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी आईटी और सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक ने ग्वालियर पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने एक फोटो डाला है जिसके अंदर एक गुलाबी कलर का सलवार सूट पहने एक लड़की का फोटो डाला है और एक हॉस्पिटल में लड़की एडमिट है उसका फोटो डाला है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से ये बताया कि हाथरस की लड़की है, पीड़िता है, जिसके ऊपर दुराचार हुआ है। मैं आपको दिग्विजय सिंह जी ने ये ट्वीट करके पब्लिश करके कानून का उल्लंघन किया है। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है जिसमें धारा 228 क के तहत कोई भी पीड़िता है या तो उस पर जांच चल रही हो या वो पीड़ित हो चुकी हो, हम उसकी पहचान उजागर नहीं कर सकते। तो उन्होंने उस कानून का उल्लंघन किया। इसके साथ ही आपको आश्चर्य होगा कि जो दूसरी लड़की थी, जो साधारण फोटो है, वो लड़की को जो हमने तहकीकात करी तो वो लड़की चंडीगढ़ की लड़की निकली। वो लड़की 2 साल पहले उसका नाम मनीषा यादव है, 2 साल पहले उसकी मृत्यु हो चुकी है और उसके पिताजी ने चंडीगढ़ में खुद ने FIR लिखाई कि मेरी बेटी का इस तरह से फोटो का दुष्प्रचार किया जा रहा है कि हसरत में पीड़िता का फोटो बना के कर जा रहा है। तो दिव्य सिंह एक तरह से देखा जाए तो वो उस लड़की का साथ भी उन्होंने उनकी छवि बिगाड़ने का काम किया, तो वो 400BC के तहत आता है। तो मैं इतना बताना चाहता हूँ कि दिग्विजय सिंह जी, आप अपनी सस्ती लोकप्रियता के कारण आप किसी को, हमेशा आपका पुराना रिकॉर्ड रहा है, आपका पुराना इतिहास रहा है कि आप सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दुष्प्रचार करते आए हैं, सर लोगों की छवि बिगाड़ने का काम आप करते आए हैं, पर आप कानून आप पे कार्रवाई करेगा, इसके लिए आप तैयार हैं। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर अकाउंट से जो पोस्ट किया है उस पोस्ट में जिस लड़की की फोटो है वो फोटो हाथरस की लड़की का ना होकर चंडीगढ़ की एक लड़की का है जिसकी 2 साल पहले मौत हो चुकी है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए पीड़िता और उसके परिवार की छवि खराब की है। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।